बाकी निंजा जॉट ब्लेज वो थोड़ा सा ओपन में है, स्मोक्स करे गए हैं। डैमेज की बात करी जाए दी जा सकती है जॉनथन, उन्होंने वहां पे प्लेयर को स्पॉट भी करा था। ब्लेज की बात करें वो ऊपर गए, उनको फिर से सुनाई दे रही है ये ग्रेनेड, शायद ठिकाने पे गिर सकता है और वहां जो प्लेयर है वो नॉक होगा। डैमेज बहुत ज्यादा बट नॉक नहीं हुए, बट जॉनथन को भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनके पास हीलिंग नहीं, बट टीम एक्स पार्क के आप प्लेयर को देखें पीछे वो मौजूद है, शायद थर्ड पार्टी के लिए एक बार सोच सकते हैं, बट जो दोनों प्लेयर नॉक होते होते बचे हुए इस बार अपने आप को हील करने में कामयाबी पाएंगे। बिल्कुल, स्मोक का कवर वहां पर मौजूद जरूर से रहने वाला है, जो टॉप टू टीम्स है अभी उनके बीच में हमें यहां पर फाइट देखने को मिल रही है। नियो एक बहुत ही बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल उन्होंने क्रिएट किया और अब आगे की तरफ जा रहे हैं, जहां से वो स्पॉट कर सकते हैं खिलाड़ी को। टीएसएन के पास कोई आइडिया नहीं कि प्लेयर वहां पर मौजूद, और आप देखिए व्हीकल बस्ट होगा तो खिलाड़ी डाउन। टीएसएन के निंजा जॉर्ज है वो डाउन ऑलरेडी हो चुके हैं, और वहां पर देखते हैं फैन का इस्तेमाल होगा यानी एक्वा नॉक्स ओपन यातुन को भी स्पॉट किया जाएगा। शैडो वहां पर लास्ट मैन स्टैंडिंग है, गॉड लाइक के खिलाड़ी यहां पर गॉटियर परफॉर्मेंस दिखाते हुए आखिरी प्लेयर जो सर्वाइव करे तो उनको फिनिश ऑफ किया। आप देखिए एक भी प्लेयर उनका यहां पर नॉक तक नहीं हुआ, और वो जो 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 पहले पायदान की गद्दी के लिए जो रेस थी वो खुद आए और उन्होंने दिखाया कि कौन डिजर्व करता है पहले पायदान। हमें देखने को मिलने वाले कोई और नहीं है, उनका नाम है टीम एक्स पार्क की स्क्वाड। फिलहाल के लिए वो जो ग्रेनेड था वो ड्रॉप करके वहीं पे फेंका गया, बड़ा अल्ट्रॉन डाउन हो जाएगा सी गॉड के द्वारा। स्काउट की बात करें क्लच गॉड के हाथों वो भी डाउन किया जाएंगे, अल्ट्रॉन खत्म हो चुके माफी वो भी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं कि देखते ही देखते बैक टू बैक क्या दो स्क्वाड एलिमिनेट करी जाएगी टीम गॉडलाइक के द्वारा। देखना पड़ेगा ग्रेनेड की बारिश अभी भी चलती हुई, ये वाला ग्रेनेड मोस्ट प्रोबेबली ठिकाने पे गिरेगा, बट चलिए नहीं थोड़ा सा दूर गया, स्काउट डाउन है, रिवाइव किया जाएगा गिल के द्वारा। बट मुझे जहां तक उम्मीद है टीम एक्स पार्क का भी सफर यहीं पे खत्म हो सकता है, क्योंकि अब वो फंस गए पीछे और भी स्क्वाड उनका इंतजार कर रही होगी। ओह माय गॉड, टीम गॉडलाइक 6 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके और अब अगले स्क्वाड को वाइप करने की तैयारी। जॉनथन को आप देखिए क्या बड़ी एंगल उनके पास मौजूद है, स्काउट एंड गिल दो खिलाड़ी यहां पर मौजूद, व्हीकल लेकर के जाने की कोशिश लेकिन वो डिनाई किया जाएगा। स्काउट अभी के लिए आगे की तरफ जाएंगे, पीछे तो उनको इजीली स्पॉट किया जा सकता है। गिल यहां पर मौजूद, जो स्मोक है उसके अंदर कुछ प्रेडिक्टिव प्लेस जरूर से जा रहे हैं। जॉनथन काफी ज्यादा ओपन में वो जाएंगे, स्पॉट वो ऑलरेडी कर चुके, स्काउट को डाउन किया एंड अब गिल जो कि आखिरी स्टैंडिंग थे उनको भी एलिमिनेट किया। टीम गॉडलाइक यहां पर अभी के लिए अपना पहला पायदान पूरी तरीके से सेफ कट में नजर आएंगे। देखना पड़ेगा कि जोन को प्रायोरिटाइज करेंगे टीम गॉडलाइक या फिर अभी के लिए फाइट लेने के लिए जाएंगे। बट टीम 7C की बात करें इसको भी जाना है, जोन के अंदर स्प्रे गॉड की तरफ से जाएगा वो ग्रेनेड एनिग्मा की। वो पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो चुके, निखिल वो भी खत्म हो गए गॉडल नियो के द्वारा। आप देखें अब 10 फिनिशेस टोटल गॉडलाइक के पास आपको देखने को मिलने वाले। टीएसजी डैडी की बात करी जाए उनकी गाड़ी वहां पे ब्लास्ट की गई, नॉक जरूर किए गए बट यूडॉक के प्लेयर को आप देखें ग्रेनेड की बारिश वो जरूर कर सकते हैं। स्ट्राइकर एक बढ़िया ग्रेनेड, जी गॉड वहां पे डाउन हुए मोस्ट प्रोबेबली। अब एक लौते प्लेयर जॉनथन, उनकी एचपी दिखाई नहीं दे रही, इसी के साथ वो भी खत्म 10वें स्थान पे, बट फिनिशेस 10 उनके पास रहने वाले। बिल्कुल एक यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बट स्काईलाइट गेमिंग उनके पास काफी सारे अनइनवाइटेड गेस्ट आने वाले हैं। बिल्कुल क्रिश की बात करें वो ऊपर मौजूद रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आखिरी प्लेयर बचेंगे, प्लेयर यहाँ पे मौजूद जरूर है। बट आप देखें स्काईलाइट गेमिंग क्या बढ़िया गेम और क्या बढ़िया जोन प्रोडक्शन उनका चलता हुआ हमेशा हमने देखा है। मेरे मार में उनको आगे जाते हुए आयुष लास्ट प्लेयर वहां पे मौजूद रहेंगे और पुकार वो सुन नहीं पाए और इसी के साथ डाउन किए गए फिनिश। बट चलिए ओल्ड होल्ड वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं 6 स्थान पे, बट अब उनको भिड़ना है रेकनिंग से, अब उनको भिड़ना है एक्सो से। पंक को आप देखिए कितनी अच्छी पोजीशन पे वो आ चुके हैं, बिल्कुल पीछे से उन्होंने घेर लिया है टीम रेकनिंग को, ये थोड़ा मुश्किल। वहां पर मोलोटोव्स थ्रोएबल सब चीज का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा सेंसे ने। मीनवाइल हैदराबाद हाइड्रास के जो मैंटी ओपी है उनको फिनिश ऑफ किया, 7C का एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। मैक्सी व्हीकल के अंदर बैठे हुए लिटरली वहां पर हील कर रहे थे अपने आप को। एक्सो के सेंस से काफी ज्यादा ओपन में मौजूद, स्ट्राइकर वहां पर मौजूद रहने वाले, एस ब्लैक जो वो भी वहां से स्प्रेस देंगे। लेट्स सी सेंस यहां पर क्या करने वाले हैं, स्प्रेस उनके ऊपर भी आएंगे और काफी ज्यादा डैमेज हमें देखने को मिलती है। और जोन जोन की अगर हम बात करें टीम हैदराबाद हाइड्रास के पास जाता हुआ, बिल्कुल बड़ा आप देखें यहां से जाने कौन सी टीम वाली है, क्योंकि तीन टीमें जाने कोई एक ही वाली है और सारा फायदा हैदराबाद हाइड्रास के जो प्लेयर्स हैं वो उठाएंगे। फिलहाल के लिए रखने के प्लेयर चार्ज करते हुए अब्रार की बात करें उनकी बेस पे यहाँ पे डाउन है, तो उनके पास है अब्रार यहाँ पे डाउन होते हैं, आखिरी प्लेयर सर्वाइव करेंगे नहीं, मैक्सिम स्किल दोनों प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। दोनों प्लेयर कर क्या रहे, मार किसको रहे पता नहीं, बट चलिए बढ़िया वो स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है, एंगल्स उनके पास बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ एक वो जो रिज का कवर है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। मीनवाइल टीम रेकनिंग की अगर हम बात करें, स्मोक करके वो आगे जा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी के लिए टीम एक्सो वर्सेस टीम रेकनिंग होने वाला है और जो फाइनल फाइट है वो कहीं ना कहीं टीम हैदराबाद हाइड्रास के साथ हो सकती है। बट स्ट्राइकर
कर उन्होंने स्पॉट के अब्रार को डाउन किया और अब कुछ थ्रोएबल्स के साथ भी उनका स्वागत करने की कोशिश। वो यहाँ पे चलता हुआ हैदराबाद थोड़ा सा और चार्ज करने की कोशिश करेंगे, फिनिशर्स निकालने की कोशिश है पंक, वो भी चाहते हैं फिनिशर्स निकालना। तब्दीलियां किसे पसंद नहीं, स्मोक करेंगे, थोड़ा आगे जाने की कोशिश, कामयाबी हासिल करेंगे। लेवल 3 का हेलमेट बेस उनको मिल सकता है, सेंस है, वापस से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें उन्होंने स्किल को स्पॉट करा है, डैमेज देने की कोशिश, एक को नॉक किया बट मैक्सी वो पीछे मौजूद थे और इसी के साथ डाउन किया गया। शायद वहां पे सेंस से फिनिश हो चुके हैं, नहीं वो देखना पड़ेगा। यस बिल्कुल, और इसी के साथ रेकनिंग की जो स्कोर थी वो एलिमिनेट हुई बट सेंस से वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। बिग सर्कल आप देखें हैदराबाद हाइड्रास के पास वापस से जाता हुआ। एग्जैक्टली यहां पर ये बिल्कुल सही मौका है टीम हैदराबाद हाइड्रास का कि वो यहां पर पुश करने के लिए आए, क्योंकि आप देखिए कि वो फिनिश फीड जरूर से रीड करी होगी, उनको पता था कि एक प्लेयर डाउन है। चलिए अब थोड़ी लेट जरूर से हो चुका है क्योंकि रिवाइवल वहां पर एग्जीक्यूट हो चुका है। 3v3 का ये सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा, मात्र 4 सेकंड्स का टाइम। इट्स बिटवीन टीम हैदराबाद हाइड्रास एंड टीम एक्सो, जहां पोजीशन वाइज टीम हैदराबाद हाइड्रास थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूर से नजर आ रही। टीम एक्सो वो स्मोक जरूर से करना चाहेंगे, एक पाथ क्रिएट कर रहे हैं विजन इंपेयरमेंट का, उसके बाद जोन के अंदर जो एंट्री है वो लेके जाएंगे। बट अभी भी हैदराबाद हाइड्रास उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिली। लेट्स सी कि क्या हैदराबाद हाइड्रास जो है बैक टू बैक चिकन डिनर इन मीरामार लेकर के जा पाएंगे नहीं। वहीं टीम एक्सो की बात करें, ये चिकन डिनर उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमने पहले देखा था अमेजी की जब पहले पायदान की बात आती तो टीम एक्सो का नाम भी प्रबल दावेदारी में रहता था, बट अभी के लिए टीम एक्सो के प्लेयर थोड़ा ओपन में आएंगे, स्मोक का रूप से रहने वाला प्रेडिक्टिव प्लेयर जाएंगे। सेंस है बहुत ही ज्यादा लोअर एचपी कैरी जो है वो भी यहां पर प्लेयर देते हुए नजर आ रहे, और आप देखिए किसी को कुछ नहीं मालूम कि खिलाड़ी कहां है, बट यहां पर प्रेडिक्टिव प्लेयर हर तरफ दिए। आप सेंस को देखिए उन्होंने अपने आप को हील भी कर लिया, बड़ी सिक्स सेंस डाउन हो जाएगा। इमॉर्टल एचपी बहुत ज्यादा कम, वहां पे स्मोक खत्म होता है। पंक की बात करी जाए, चले एक प्लेयर को रिवाइव, वहां पे नॉक जरूर किया गया, पंक अकेले बचे थे, जोन का भी डैमेज पड़ता हुआ कुछ